हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर किए गए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। मतगणना में तैनात किए गए तमाम कर्मचारियों को मतगणना से पूर्व दो राउंड की रिहर्सल कराई जाएगी, जिसमें पहला राउंड वीरवार को ऊना जिला मुख्यालय के DRDA सभागार में शुरू किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में पहले रिहर्सल का आगाज किया गया, जिसमें कर्मचारियों को बैलेट पेपर की स्कैनिंग संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं दूसरे चरण की रिहर्सल समूर कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में होगी, जिसमें कर्मचारियों को बैलेट पेपर के साथ साथ EVM से वोटों की गिनती संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर DC राघव शर्मा ने कहा कि मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और मतगणना के दिन तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कड़ी में वीरवार को बैलेट पेपर की स्कैनिंग करने वाले कर्मचारियों के लिए रिहर्सल आयोजित की गई और इस दौरान उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और मतगणना को लेकर अपनाई जाने वाली विधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। DC राघव शर्मा ने कहा कि मतगणना की तैयारियां मुकम्मल होने के साथ साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला में 3 मतगणना के केंद्र रहेंगे, इसमें चिंतपूर्णी की काउंटिंग जो है वो अम्ब में होगी, गगरेट की काउंटिंग अम्बोटा पॉलिटेक्निक में होगी और ऊना कुटलैहड़ और हरोली की काउंटिंग जो है डिग्री कॉलेज ऊना में होगी। इसको लेके जो काउंटिंग हॉल है उनको तैयार कर लिया गया है, साथ ही हमारे जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसको वर्कआउट करके फर्स्ट रेंडमाइजेशन हमने कर लिया है, जिसमें 447 लोगों की काउंटिंग, EVM काउंटिंग और पोस्टल बैलेट काउंटिंग और स्कैनिंग में जो है वो उसकी ड्यूटी लगेगी। आज 1 तारीख को जो है स्कैनिंग जो सर्विस वोटर के हमारे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं, तो उनकी स्कैनिंग की ट्रेनिंग जो है आज स्टाफ की कराई गई है और कल 2 तारीख को जो है वो EVM और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी हमने जो लता मंगेशकर हमारा हॉल है उसमें ऊना में रखी है। ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा की हर सीट की जानकारी, सबसे सटीक आंकलन, सबसे सही जानकारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर नेशन स्पीक्स चैनल पर 5 दिसंबर शाम 7 बजे से।